इसी बर्तन में बनाती हूँ। इतने ज्यादा ओले घुसन मारूंगी ना सीधे हो जाओगे। हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है रात के 2:03। आप ऊपर चेक कर सकते हो 2:03 हो रहे हैं और अभी मुझे सेकंड ऑर्डर आया है, 2 हॉट कॉफ़ी 2 मुंबई स्टाइल वड़ा पाव। तो मैंने वड़ा पाव तो बना दिया है क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है जिसकी वजह से डिलीवरी जो राइडर्स हैं ना वो असाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो कॉफ़ी अभी से बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं कॉफ़ी अभी से बना के रख दूँगी तो वो ठंडी हो जाएगी, तो मैंने कॉफ़ी को फेंट लिया है, आप देख सकते हो। अब जैसे ही राइडर असाइन हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कम से कम 3-4 मिनट तो लगेंगे उसको यहाँ तक पहुँचने में, तो जैसे ही असाइन हो जाएगा वैसे ही मैं कॉफ़ी पैक कर दूँगी, मतलब गर्म करके, दूध गर्म करके पैक कर दूँगी। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर के पास उम्मीद है थोड़ा गर्म जा पहुंच पाए, क्योंकि अभी इससे पहले वाला जो ऑर्डर था ना वो आया था, तो ये देखो ये वाला ऑर्डर आया था मुझे 12:19 पे, ठीक है। और इसका हम चेक करते हैं टाइमलाइन, तो ये ऑर्डर प्लेस हुआ था 12:19 पे, मैंने एक्सेप्ट किया था 12:19 पे, रेडी हो गया था 12:40 पर, 1 बजे पर, मतलब 12:40 पर बन गया है, 20 मिनट बाद जाके राइडर आया है और राइडर ने पिक किया है और उसके 40 मिनट के बाद डिलीवर्ड हुआ है। अब आप खुद सोच सकते हो 12:19 का ऑर्डर है, या आप ये देख लो 12:40 पर बन गया है और एक अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे बाद जाके वो डिलीवर्ड हुआ है। तो अगर मैं ये वाला ऑर्डर भी अभी से बना के रख दूँगी तो आप खुद सोचो कॉफ़ी का क्या हाल होगा, तो इसीलिए मैं कॉफ़ी अभी पैक नहीं कर रही हूँ। भैया यहाँ पे इतनी ले लीजिए, ये कॉफ़ी है लेकिन थोड़ा सा आराम से आपको उतरना ही पड़ेगा लग रहा है सामान रखने के लिए ना, इसलिए गेट छुड़ा दिए थे ना सारे। ये कॉफ़ी है लेकिन ठीक से रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए ग्लास टेढ़ा ना हो रहा हो। तो गाइस अभी मेरे पास एक और ऑर्डर आया है जिसमें है 2 बटर वेजिटेबल पाव भाजी, 398 का ऑर्डर है, कस्टमर ने ऑफ़र नहीं लगाया है तो वो मुझे 398 ही इसमें मिलेगा। चलो 2:22 हो रही, मतलब आज का ये 3rd ऑर्डर है, चलो इसे जल्दी से बना लेते हैं। तो गाइस ये 2 प्लेट पाव भाजी मैंने पैक कर दी है, ये रहा ऑर्डर 2 प्लेट पाव भाजी, और अभी तक राइडर असाइन नहीं हुआ है और आप देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अब वो गेट के पास देखो, वहाँ पे समझ में आएगा आपको। तो गाइस पाव भाजी वाला ऑर्डर भी जा चुका है राइडर लेकर, अब वो कस्टमर ले एक्सेप्ट करे नहीं करे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अब जब राइडर्स जब डिलीवरी पर्सन्स पिकअप कर लेते हैं ना और वो प्रेस कर देते हैं कि हाँ हमने पिकअप कर लिया है, तो उसके बाद कस्टमर वो उस ऑर्डर को ले, उस ऑर्डर के पेमेंट करे नहीं करे, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद राइडर के पिकअप डालने के बाद ही हमारा पेमेंट बन जाता है। तो अब बज रहे हैं कितना बज रहा है, 3:02 हो रहे हैं, तो अब मैं सोचती हूँ थोड़ी देर सो जाती हूँ और बीच में अगर ऑर्डर आएगा तो मैं तब उठूँगी। गाइज अभी आप टाइम पता है आपको बताऊँ 11:30 बज रहे हैं और आप मौसम देख सकते हो, मतलब कितना प्यारा मौसम लग रहा है ना, ऐसे मौसम में बस मन करता है बाहर चेयर डालो और कोई गरम गरम प्याज के पकौड़े और गरम गरम अदरक वाली चाय बना के आपको दे दे, मज़ा ही आ जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ रेनू और मैं अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ, वो इसलिए क्योंकि सुबह मैं काफ़ी लेट सोई हूँ, मतलब मैं 6:30 के बाद सोई हूँ क्योंकि तब तक ऑर्डर्स आ रहे थे और आज की सेल थोड़ी अच्छी हुई है, मच बेटर जो अभी तक चल रहा था ना उस सबसे आज की सेल थोड़ी सी ठीक हुई है,
तो 5:30 बजे तक मेरा लास्ट ऑर्डर आया था, फिर वो राइडर आने में टाइम लग गया क्योंकि कल आप सबको पता है कि बारिश हो रही थी, मैंने आपको दिखाया भी था, और उसकी वजह से ना राइडर असाइन नहीं होते। तो फिर मैं 6:30 राइडर को देने के बाद 6:30 के करीब सोई हूँ, तो इसीलिए आज थोड़ा सुबह लेट उठी हूँ। तो 11 बजे उठ गई थी, लेकिन उसके बाद एक ऑर्डर आया हुआ था तो उसको तैयार करने में व्लॉग लेट शुरू कर रही हूँ। तो कैसे हैं आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में, और आप मेरी लाइव ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो भी बताना मुझे, और नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, आया करो शाम को 7 बजे, आओ कभी हवेली पर, ठीक है। तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, दिन को स्टार्ट करते हैं। पाव भाजी बनानी है आज मुझे, सांभर मैंने कल बनाया था तो सांभर है भी, पाव भाजी ख़त्म हो चुकी है, परसों की बनी हुई थी वो, और बस। तो आज मेरे पास है, मैंने लिस्ट बना रखी है, 4-5 काम है वो करने हैं, 2-4 चीज़ें ख़त्म है वो मंगानी है, तो मतलब हैं अच्छे खासे काम हैं आपकी बहन के पास, तो मतलब वो आज भी बिज़ी रहने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर देना। गुड मॉर्निंग बोल दो गाइस को, गुड मॉर्निंग गाइस, पूछो तो कैसे हो और अपना हाल चाल बताओ, फ़ोन बंद करो पहले, दोनों पापा बेटा एक जैसे हैं। हाँ चलो अब बताओ, गुड मॉर्निंग, कुछ वेलकम और कुछ हाल चाल पूछ लो अपना, अपना उन लोगों का बता, पूछ लो अपना बता कैसे दो। हैं आप सर? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं। आदमी ये बदतमीज आदमी है। ब्रेकफास्ट क्या करोगे ये बताओ, आज आप बना के खिलाओ कुछ। नहीं नहीं सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, एक आलू का पराठा बना दो मेरे लिए। ऐसा ना घुसंड मारूंगी ना सीधे हो जाओगे। मम्मी का हाल चाल पूछते पूछते लाइट चली गई, बताओ। पता है गाइस क्या हुआ रात में, इन्होंने अपनी ये कल आए रात में तो बारिश हो रही थी तो भीग गए थे, तो इन्होंने हैंगर में अपनी ये जैकेट, लाइट आ गई, ये ऐसे लटका दी। और पता है मैं रात में 2 बार डरी हूँ इससे, आपने सच में 2 बार डरी हूँ इससे। मैं रूम से निकल के किचन में जा रहा, मुझे लगा कोई खड़ा है साइड में। अब बताओ ये आज तो मैंने वहां टांग रखा था सपोर्ट के लिए कि तुमको लगे अकेली नहीं हो। नहीं मुझे अकेले ठीक है, मैं अकेले कंफर्टेबल हूँ। आधी रात को बाहर निकलो रूम से और लगे आपके बाहर कोई, रूम के बाहर कोई खड़ा है, सोचो क्या हाल होता है, बदतमीज कहीं के। बातें करने लगती उससे, मतलब मैं सबसे बातें करने लगती हूँ, आप ये बोलना चाहते हो? नहीं सुन लिया आपने, इस आदमी को लगता है मैं बातें करती हूँ, मैं हर किसी से बातें करने लगती हूँ, मतलब इतने। अरे मेरे बेटे ने क्या बनाया, मतलब मैं क्या बोले यार, मेरी कदर इस घर में है ही नहीं गाइस। मेरे बेटे की ड्राइंग देखो, दिखा चुकी हूँ मैं अपने गाइस को लड्डू की ड्राइंग, लड्डू की ड्राइंग बहुत अच्छी है, मेरे पे गई है सच में, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब तो मैंने बनाना बंद कर दिया। Later. ये देखो ये है YY के वेज मसाला फ्लेवर्ड इंस्टेंट नूडल्स, ठीक है। मेरे हस्बैंड गए थे कुछ टाइम पहले, कुछ नहीं काफ़ी टाइम पहले, दिसंबर के आसपास नेपाल, ठीक है। तो वहाँ से वो ये लेकर आए ख़रीद के, उन्होंने वहाँ पे कहीं खाया था तो उनको उसका फ्लेवर अच्छा लगा, किसी रेस्टोरेंट में खाया था तो उसने बताया कि YY नूडल्स होते हैं, जैसे मैगी है इंडिया में वैसे ही YY यहाँ पे फेमस है, ज़्यादा ट्रेंड में रहती है कह सकते हो। वो इतने सारे लेकर आ गए और हम लोगों ने जब इसे ट्राई किया ना तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, लेकिन अब थोड़ा सा होता ना कि ट्राई करते करते थोड़ा सा ज़ुबान पर आ गया है, ज़ुबान पर उसका टेस्ट लग गया है, तो मतलब उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन हाँ काम चला हुआ। थोड़े से इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो डाल के बनाओ ना, खाओ ना, और थोड़ा सा केचप डाल दो, थोड़ा सा क्या बोलते हैं शेजवान सॉस डाल दो, ये सब डाल के बनाओ तो थोड़ा सा टेस्ट खाने लायक हो जाता है, अच्छा स्पाइसी सा लगता है, लेकिन मैगी की जगह नहीं ले सकता। तो अब हम इसको चल जाता है, और पहले उनको लगा था कि YY यहाँ नहीं मिलता इंडिया में, लेकिन बाद में हम लोगों ने अमेज़ॉन पर भी देखा, और मैंने शायद दिल्ली में एक बार देखा था किसी स्टोर पे YY नूडल्स मिलते थे, और अभी नहीं काफ़ी टाइम पहले वहाँ मिल, मतलब उस टाइम पे मिल रहे थे, तो यहाँ भी मिलते ही होंगे ऑब्वियसली बात है, और ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो उनको ये लगा था कि चलो यहाँ वहाँ इंडिया में तो मतलब यहाँ तो मिलने से रहा, चलो पूरा कार्टन भर के लेके चलते हैं। तो 30 का पैकेट था शायद, या शायद ज़्यादा थे, मुझे पता नहीं है, मैंने काउंट नहीं किए थे, इतने सारे वो उठा के ले आए थे, मतलब देख लो यार। और अब जब मुझे लगता है घर में मैगी कम है, क्योंकि मेरा क्लाउड किचन में भी मैं मैगी सेल करती हूँ, तो मुझे लगता है ना कि 4-5 पैकेट ही बचे हैं मैगी के, तो फिर मैं यही निकाल के खा लेती हूँ। और हाँ आप में से कई सारे लोग मेरी डाइट वीडियो का वेट कर रहे हैं, तो गाइस थोड़ा सा मुझे ना माइंड मेकअप करने दो, कि होता है ना कि आप डाइट शुरू करोगे तो वो 1 या 2 दिन की चीज़ नहीं है, फिर वो रेगुलर आपको डाइट कंटिन्यू, आपको अपनी रेगुलर रूटीन में आपको वो चीज़ लानी पड़ेगी, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है, बहुत
अच्छे से माइंड सेट करना पड़ता है कि नहीं अब फोकस करना है हमें अपनी डाइट के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, दो चार दिन का टाइम दो, मैं एक बार सोच भी लूँ कि मुझे डाइट क्या करनी है, कौन सी करनी है, या पहले थोड़ा थोड़ा हेल्दी हेल्दी स्टार्ट करके फिर कोई डाइट में जाऊँगी, या जो भी है वो सब एक बार प्लान कर लेने दो, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी कि मैं क्या करने का सोच रही हूँ। ओ तेरी गाइस, देखो ओले पड़ रहे हैं, देख रहे हो आप नीचे, ये देखो ओ तेरी कितने मोटे मोटे हैं। इतने ज्यादा ओले, मतलब आप देख रहे हो लिटरली कितने तेज। मैं किचन में थी और मुझे दम 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 की आवाज़ ऐसी आने लगी, क्योंकि ना वहाँ पे कुछ चीज़ें रखी, उस पर कुछ चीज़ें पड़े ना तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। मैं भाग कर आई तो बाप रे इतने ओले पड़ रहे थे, मतलब मौसम का कुछ नहीं कह सकते यार। अभी दो दिन पहले इतनी तेज़ धूप थी, जब मैंने बेडशीट फैलाई थी आप लोगों ने देखा होगा, उस दिन रात में हम लोग फैन ऑन करके सोए हैं, और अब देख लो इतनी तेज। 2000 years later. हेलो गाइस, तो शाम के 7:30 बज रहे हैं और दोपहर में जब ओले पड़ रहे थे मैंने वो आपको दिखाया था, उसके बाद से कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी किचन में, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो बनाने लगी थी, नारियल की चटनी भी ख़त्म होने वाली है लेकिन नारियल है नहीं, हस्बैंड को मैंने बोला है अब वो जब वो लेकर आएंगे तब शायद मैं रात में बनाऊँ। तो पाव भाजी कब की भाजी ख़त्म थी, मैंने वो बनाई है, चटनी ख़त्म थी भाजी के साथ ना, मतलब पाव भाजी के साथ मैं थोड़ी सी ग्रीन चटनी देती हूँ, और वड़े पाव के पाव में बेस में एक चटनी लगती है पुदीने की, वो मैं लगाती हूँ, तो ये सब कुछ ख़त्म था, मुझे वो बनाना था, प्लस पराठों के साथ में धनिया की चटनी जाती है वो भी ख़त्म थी, वो भी बनाई मैंने। उसके बाद किचन का जो हाल था वो सब कुछ करने में ना पूरी शाम ख़त्म हो गई, और अब 7:30 बज गए हैं, और साथ ही साथ में मेरी जो एलर्जीज़ है ना वो बढ़ती जा रही है, कल से नहीं परसों से स्टार्ट है, जो बिल्कुल अभी बंद होने का नाम नहीं ले रही है, कभी भी छींक आने लग जाती हैं, और कभी भी छींक वाला मतलब कभी भी इतना ज़ुकाम हो गया है, और कभी भी लगता है कि छींक आ रही है, ऐसा वाला हाल हो गया है। आँखों में ऐसा होता है कि जलन सी हो रही है, खुजली सी हो रही है, और नींद सी आ रही है, क्योंकि दवाइयाँ मैं खा रही हूँ उन दवाइयों में नींद बहुत होती है, तो बस इसीलिए। और लाइव जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे यहाँ पे नेटवर्क अच्छे नहीं है, तो आज मैं लाइव नहीं जा पाऊँगी, जो कि जिसका मुझे काफ़ी अफसोस है। मैं सोच रही कि मैं रेगुलर बेसिस पे डेली लाइव करूँगी लेकिन आज की लाइव शायद हो ना पाए, या देखते हैं आगे जाकर, शायद क्या पता थोड़ा सा लेट कर लूँ, लेकिन लाइव करने का ट्राई ज़रूर करूँगी। तो अब मैं जाती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ, अदरक वाली कड़क चाय, और चाय पीती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैं चाय बनाने आई ना तो मुझे एक चीज़ याद आई इस बर्तन को देखकर, पहले आपको मैं बर्तन दिखा देती हूँ, वेट। इस बर्तन को आप देखो, ये पहले कभी पैन हुआ करता था हैंडल वाला, जिसका हैंडल टूट चुका है और अभी सिर्फ पैन बचा है। जो बर्तन है ना ये मेरे आने से पहले का बर्तन है, मतलब मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से शादी, मतलब अपनी उनकी पढ़ाई बाहर ही हुई है, वो घर पे नहीं रहे हैं, 10th या 12th के बाद वो बाहर ही निकल गए थे, तो उनके पास खुद के भी कुछ बर्तन, खुद के भी कुछ सामान थे, तो ये उन्हीं में से एक है। मेरी मदर ना इसको देखती है तो बहुत गुस्सा करती है कि कैसी हालत का बर्तन है, इसको क्यों यूज़ करती हो, एकदम घिस चुका है, पतला हो चुका है और टूटा हुआ है, क्यों यूज़ करती हो। लेकिन होता है ना कि एक आपका कंफर्ट वाली कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप चाहकर भी हटा नहीं सकते हो, तो बस मेरे साथ वही है। जबकि चाय के लिए उन्होंने ये बर्तन देखा तो वो मुझे स्पेशली चाय के लिए एक बर्तन दे गई कि तुम्हारे पास शायद छोटे के चक्कर में तुम बनाती हो, नहीं होगा तो देखो इसमें 2-3 कप चाय इजीली बन जाती है। लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करती, पता नहीं मुझे इसमें मज़ा नहीं आता चाय बनाने में, चाय मैं अपने इसी बर्तन में बनाती हूँ, अभी आप देख रहे हो इसी बर्तन में मैं चाय बनाती हूँ, और मुझे ठीक लगता है, चाय भी जल्दी बन जाती है। और पता है इसके बाद क्या दिक्कत है, ये कितना भी जल जाए, कितने भी इसमें दाग पड़ जाए, इसको ना वो स्टील वाला जो आता है ना जूना, उससे हल्का हल्का भी साफ़ कर दो ना, पूरा साफ़ हो जाता है। बाकी मैं काफ़ी देर तक उसे भिगो के रखो, फिर काफ़ी देर तक मेहनत करके रगड़ो, तब जाके साफ होता है जला हुआ। लेकिन इसके साथ ये है, पता है मैंने जब डाइट करती थी ना तब कितनी बार मेरे डिटॉक्स जल जाते थे इसी बर्तन में, और पूरी बुरी तरह से पूरा मतलब झुलस जाता था, पूरे घर में धुआं धुआं होता, लेकिन तब भी एक वॉश में इजीली साफ हो जाता है। तो बस इसीलिए मैं इस बर्तन को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो जल्दी चाय बन जाती है क्योंकि पतला हुआ आता है ना इसीलिए।
तो आप लोगों के साथ भी होगा ना कि आपकी कोई कंफर्ट वाली चीज़ जो दूसरों के सामने आपको ऑकवर्ड लगता हो यूज़ करने में, लेकिन पर्सनली जब आप अकेले होते हो तो आप उसको यूज़ करते हो क्योंकि आप उसके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हो। तो वही मेरे साथ है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। और बस अब चाय मेरी उबल रही है, चाय बनाते हैं, चाय पीती हूँ और मिलती हूँ आपसे। चाय पीने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। थोड़ा क्या, मैं आपको पता है कि मैं मेडिसिन खाती हूँ एलर्जीज़ वाली, और उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नींद आती है उन्हें खाने के बाद। तो बस मैं वही सो गई थी और मैं बिल्कुल गहरी नींद में थी, तभी हस्बैंड का कॉल आया कि एक ऑर्डर आया है, प्लीज़ चेक कर लो। तो मेरे फ़ोन, मेरे पास आईफोन है और आईफोन के अंदर ना ऑर्डर्स आते नहीं है, मतलब अगर मैंने उन लोगों की ऐप डाउनलोड करके रखी है ना तो उसमें ऑर्डर हिस्ट्री दिखती है लेकिन ऑर्डर एक्सेप्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने अपना जो पार्टनर ऐप है वो अपने हस्बैंड के फ़ोन में किया हुआ है, तो जब वो दिन में कभी ऑर्डर्स आते हैं तो वो मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं, फिर मैं उस ऑर्डर की हिस्ट्री में जाके चेक करती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं उसे प्रिपेयर करती हूँ। तो बस फिर मैं उठी हूँ नींद से, बड़ी तेज़ नींद में, गहरी नींद में थी मैं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ऑर्डर्स आने शुरू हुए हैं और मैं नींद की वजह से या फिर अपने बीमारी की वजह से उस चीज़ को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ ना, वापस से पीछे नहीं जाना है मुझे। तो बस वही सोचकर, हिम्मत करके मैं उठी हूँ और ऑर्डर देखा, तो ऑर्डर में था एक आलू प्याज का पराठा, दो मुंबई स्टाइल वड़ा पाव और एक अप्पे की प्लेट। तो जल्दी जल्दी से मैंने ये तीनों चीज़ें तैयार की, और जब मैं ये तैयार कर रही थी ना तो इसी बीच में एक और ऑर्डर आ गया था, वो भी हस्बैंड ने बताया कि एक और ऑर्डर आ गया है, वो भी चेक कर लो। तो उसमें भी कोई, वो छोटा सा ऑर्डर था, बड़ा ऑर्डर नहीं था, एक वड़ा पाव का था, मतलब सिंगल एक वड़ा पाव का ऑर्डर था। तो मैं दो बना ही रही थी तो मैंने कहा चलो एक और बन जाएगा, जल्दी हो जाएगा काम। तो बस अप्पे बनाए, अप्पे की जो मैं अप्पे ना प्लेन अप्पे नहीं देती हूँ, मैं वेजिटेबल अप्पे देती हूँ, तो उसकी जल्दी से सब्जियाँ चॉप करी मैंने, और जो भी प्रिपरेशन होती है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें पैक करनी होती है, वो सब कुछ मैंने पैक करा, अप्पे बना लिए, आलू के लिए मतलब पराठे के लिए आटा गूँथ लिया था, सब कुछ मतलब चटनी वटनी जहाँ जो चीज़ पैक करनी थी वो सब कुछ मैंने जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर लिया, और टाइमली मैंने दोनों ऑर्डर पैक करके राइडर को मतलब दे दिया, और ऐसे मैंने अपना ये ऑर्डर कंप्लीट किया। और उसके बाद मेरी जो ये जो दो ऑर्डर थे ना, ये दिन के लास्ट ऑर्डर थे, इसके बाद मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं आया। और आज की जो मेरी टोटल जो मतलब सेल्स बोलूँ ना, तो वो थी 1606 रुपये, और ये काफ़ी दिनों के बाद मैं 1600 तक पहुँची हूँ, मतलब 24 जनवरी के बाद से मैंने अपना क्लाउड किचन बंद कर रखा था, तो उसके बाद से आज जाकर, आज हो गया है 3rd of March को मैंने 1600 की सेल की है, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। बस संडे था शायद, इसकी वजह से इतनी सेल हो गई है, या पता नहीं वापस से मेरा क्लाउड किचन चलने लगा है। तो बस अब मैं इस ब्लॉग का भी यहीं एंड करती हूँ, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।